एवरीवन, आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल नॉलेज अनलिमिटेड। तो बच्चों, इस चैनल पर मैं सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगी ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। आपके कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ का इंग्लिश लेसन नंबर 2, ईसप्स फेबल्स। हमारी जो ये वर्कबुक है बच्चों, ये है नवनीत की विकास स्मार्ट वर्कबुक। ज़्यादातर स्कूलों में यही वर्कबुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं सॉल्यूशन लेसन नंबर 2 ईसप्स फेबल्स का। तो बच्चों, सबसे पहले तो मीनिंग्स दी गई है आपके वर्कबुक में, तो आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद बच्चों, हम असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पर है, जो फेबल्स आर से स्टार्ट होता है तो ऑफ माय स्टेटली एंटलर्स तक। तो ये पैसेज को हम देखेंगे, पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्कबुक में, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट वन इज, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स। एसप इज द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। व्हाट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ, व्हाई। इसका आंसर है, द स्टैग लाइक्ड हिज कर्विंग एंटलर्स बिकॉज दे मेड हिम लुक हैंडसम। थर्ड वाला देखते हैं बच्चों, व्हाट वॉज द स्टैग अनहैप्पी विथ, व्हाई। स्टैग वॉज अनहैप्पी विथ हिज लेग्स बिकॉज दे वर अगली एंड स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको कुछ छोटे छोटे हिडन वर्ड्स, छुपे हुए वर्ड्स को आपको ढूंढना है। ठीक है, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों देखिए, पहला वाला आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। तो देखिए कैसे छोटे छोटे वर्ड्स बनाए गए हैं इसके, रिफ्लेक्ट, फायर, लेफ्ट, लायन, फ्लिंट, नॉट, इट, इन, क्लॉट, टिन। इसी तरह हमें बाकी के भी वर्ड्स के छोटे छोटे हिडन वर्ड्स फाइंड आउट करने। सेकेंड वन देखिए आप, डिलाइटेड। अब ये डिलाइटेड जो है, इसमें कुछ हिडन वर्ड्स है देखिए, जैसे कि डिड, गेट, हाइड, लाइट, हाइट। थर्ड वन इज ग्रेसफुल। ग्रेसफुल में कौन से वर्ड्स छुपे हैं बच्चों, देखिए, फेस, आर, एस, जेल और रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड सिनोनिम्स फॉर। अब सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों, सेम मीनिंग्स। ओके, फर्स्ट वन डिलाइटेड। डिलाइटेड का सिनोनिम क्या है बच्चों, हैप्पी। ब्यूटीफुल, प्रिटी। डिसगस्टेड, रिपल्स्ड या ऑफेंडेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको सही जगह पे यूज़ करने हैं। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है बच्चों, जो किसी वर्ड के, किसी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है, उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन देखिए, डैश स्टैग। स्टैग कैसा था, ब्यूटीफुल। ओके, तो हम ब्यूटीफुल फर्स्ट वाले में इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड वन इज़ क्लियर वाटर। थर्ड वन इज़ स्टेटली एंटलर्स। एंड फोर्थ वन इज़ स्पिंडली लेग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एड फुल टू द फॉलोइंग टू मेक न्यू वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी जो वर्ड है बच्चों, उसके आगे हमें फुल लगाना है, F U L। तो हमें इसके रूल्स
ऑलरेडी पता है बच्चों। जो फर्स्ट वाला है उसमें देखिए ब्यूटी, ब्यूटी का हो जाएगा ब्यूटीफुल। आपको तो रूल पता है कि अगर लास्ट में वाई हो तो उसे हटा के आई लगाना होता है। जब हमें फुल लिखना होता है तो वाई हट जाता है और उसके जगह पे आता है आई, तो ब्यूटी बन जाएगा ब्यूटीफुल, ग्रेस ग्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो बच्चों अब हम देखते हैं असाइनमेंट नंबर 2 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पर है, जो स्टार्ट होता है एज ही वॉज ब्रूडिंग से लेकर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, हाउ डिड द स्टैग नो दैट द हंटर्स वर नियर बाय। स्टैग को कैसे पता चला कि जो हंटर है, शिकारी है, वो कहीं आसपास ही है। The stag knew that the hunters were nearby because he heard that arrows going swish across the pool. He also picked up their scent. Okay, next one. What happened to the stag in the thicket? The stag's antlers got entangled in the thick growth in the thicket. Third one dekhte hai bachcho. Write the message of the story. We should not dislike things that don't look pretty because they are often more useful to us. Find the smaller words hidden in the following words. तो first one ये हमें वैसे ही करना है बच्चों जो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, question number 2 पिछले assignment का। तो first word हमारा है hunter। तो hunter में कौन से words छुपे हुए देखिए, hen, run, ten, net, turn। second one is thicket। thicket में कौन से words छुपे हुए बच्चों, thick, ticket, chit, hit, it, hike। third one is growth। growth में कौन से words छुपे हुए बच्चों, hidden words, grow, row, got, to, throw। और fourth one है dislike। डिसलाइक में कौन से वर्ड छुपे हुए बच्चों, डाई, लाई, लाइक, लिड, स्लाइड। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सिनोनिम्स फॉर। सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग। ओके, द फर्स्ट वन इज बाउंडेड। बाउंडेड का है रैन, ब्रूडिंग का है ग्लूमी। क्वेश्चन नंबर 4, मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। ये फ्रेजेस को इस्तेमाल कर हमें एक सेंटेंस बनाना है बच्चों। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, फ्रेजेस कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं। ओके, तो पहला वाला हमारा है हॉट ऑन हिज ट्रेल। तो इसका सेंटेंस बनेगा, द पुलिसमैन वॉज हॉट ऑन द ट्रेल ऑफ द थीफ। ओके, द पुलिसमैन वॉज हॉट ऑन द ट्रेल ऑफ द थीफ। सेकेंड वन इज़ विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो इसका सेंटेंस बनेगा, शीला सॉल्व द प्रॉब्लम विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। ओके बच्चों, चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं असाइनमेंट नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 4 पर है, जो स्टार्ट होता है वंस अ डॉग से लेकर डोंट इन्जॉय योर सेल्फ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड द ऑक्स वॉन्ट टू डू। इसका आंसर है, द ऑक्स वॉन्टेड टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मैंजर फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड द डॉग डू वेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर। द डॉग बिगेन टू बार्क लाउडली वेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर। थर्ड, राइट द मैसेज ऑफ द स्टोरी। आंसर है इसका, वी शुड नॉट बिग्रज अदर्स वॉट वी डोंट इंजॉय ourselves। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद का देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब सही या गलत हमें बताना है। फर्स्ट वन, द आफ्टरनून वॉज नाइस एंड कंफर्टेबल। तो इसका है फॉल्स। सेकेंड वन, द ऑक्स वॉज हंग्री, ट्रू। द डॉग इन्वाइटेड द ऑक्स टू ईट द हे, फॉल्स। फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अगेन वी नीड टू फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स, ओके, हिडन वर्ड्स।
द फर्स्ट वन इज आफ्टरनून. आफ्टरनून में कौन से वर्ड्स छुपे हैं बच्चों? देखिए, आफ्टर नून, फूट, नेट और फैट. सेकेंड वन इज फर्मली. फर्मली में कौन से वर्ड्स छुपे हैं बच्चों? फर्म, फिल्म, फ्राई. थर्ड वन इज अपसेट. अपसेट में कौन से वर्ड छुपे हैं बच्चों? अप, सेट, पेट, सेट, पुट एंड पेस्ट. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बच्चों. क्वेश्चन नंबर फोर इज राइट द अपोजिट्स ऑफ. द फर्स्ट वन इज कंफर्टेबल. कंफर्टेबल का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? अनकंफर्टेबल. पेशेंट का इम्पेशेंट. ओके, तो बच्चों ऑपोजिट्स, द फर्स्ट वन इज कंफर्टेबल. कंफर्टेबल का ऑपोजिट है अनकंफर्टेबल. और सेकेंड वन इज पेशेंट. पेशेंट का ऑपोजिट है इम्पेशेंट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं बच्चों. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट. ओके, हम एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें दो फ्रेजेस दिए हुए हैं. सही वाला फ्रेज हमें चुनकर हमारे ब्लैंक में लिखना है. तो हमारा फर्स्ट वन है, फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट. मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि द ऑक्स गॉट अपसेट इन द एंड. ओके, फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट मीन्स द ऑक्स गॉट अपसेट इन द एंड. ओके, सेकेंड वन देखते हैं. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न्ड मीन्स डैश द ऑक्स रिटर्न. तो आंसर क्या है हमारा? आफ्टर सम टाइम. ओके बच्चों, उसके बाद है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों. द स्टैग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. क्वेश्चन नंबर वन, नेम एटलीस्ट थ्री थिंग्स इन विच वन मे सी अ रिफ्लेक्शन. कौन सी चीज़ों में हम हमारा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं? थिंग्स इन विच वन मे सी अ रिफ्लेक्शन इज वाटर, मिरर, स्टील प्लेट. ओके, और ग्लास, शाइनी मेटल सर्फेस. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, नेम थ्री थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग. ऐसी तीन चीज़ें जो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो है थिंग्स विच डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग आर वुड, पेपर, पेपर प्लेट्स, कॉटन क्लॉथ एंड मड. ओके बच्चों, उसके बाद आपका कुछ ओरल वर्क है, ओरल टेस्ट है, उसके बाद एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट है बच्चों. चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज. हमें 10 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं. तो वो है, फर्स्ट वन इज़ इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इटली, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भूटान एंड नेपाल. ओके, सी द सेकेंड क्वेश्चन, कलेक्ट द प्रोवर्ब्स. ओके, प्रोवर्ब्स क्या होता है? जैसे कहावत होती है बच्चों. तो यहाँ पर हम कुछ कहावतें देखेंगे. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों हमें, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. ऐसी हमें कुछ और बनाने हैं प्रोवर्ब्स. ओके, सो सेकेंड वन इज़ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. थर्ड वन इज़ बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. फोर्थ वन इज़ डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. और फिफ्थ वन, लेट स्लीपी डॉग्स लाई. ओके बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा सॉल्यूशन लेसन नंबर टू ईसप्स फेबल्स का. हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों, सॉल्यूशन के भी और एक्सप्लेनेशन के भी. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए बच्चों. वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत हार्डवर्क होता है बच्चों. आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए. तो फिर मिलते हैं बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय एवरीवन.